हरे कृष्णा कैसे हैं आप सभी ऐप आप सब बढ़िया होंगे आज की रीडिंग हम देखने वाले हैं चैनल्ड करंट फीलिंग्स ऑफ योर स्पाउस ठीक है जो चैनल्ड हमें होंगी उस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीलिंग्स आपके स्पाउस की आपके लिए जो चैनल्ड होंगी तो इस रीडिंग में बिल्कुल आपने कोशिश करनी है अपना अच्छे से इंट्यूशन कनेक्ट करने की मीन्स अपने एनर्जी भगवान से कनेक्ट करने की तो फिर आपको एक सही गाइडेंस मिलेगा ठीक है पूरी कोशिश करनी है क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते इसीलिए कह रही हूँ मैं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम आप भगवान का नाम लीजिए मैं भी भगवान का नाम लेते लेते आप सबके लिए कार्ड सफल करती हूँ और देखते हैं कि टू पाइल्स देख लेते हैं ओके okay. ठीक है दो पाइल्स आ गई हैं हमेशा की तरह पाइल वन है सेवेंथ चक्र आर्किंजल यूरियल ठीक है अगर आप इस फेरी से कनेक्ट हो रहे हो तो आप पायल वन को सिलेक्ट करो और पायल टू हमारे पास है ब्लूजमिंग अबंडेंस। अगर आप इस ब्यूटीफुल नेचुरल एनवायरनमेंट से कनेक्ट हो रहे हो तो फिर आप पायल टू को सिलेक्ट करो ठीक है देखना आपको है पायल वन या फिर पायल टू ठीक है देख लीजिए और अगर लाइव सिलेक्शन करें तो आपके बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली देखते हैं सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन, ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन ठीक है अपना पास सेक्शन देख लीजिए मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में राधे राधे पहलवान जल देखते हैं आज की रीडिंग लेट्स सी कि आपके फ्यूचर्स बाउस के चैनल करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है ठीक है सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे फिर आपके लिए रीडिंग देखते हैं ठीक है एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम ठीक है बहुत अच्छी रीडिंग है तो पालवन आपके जो स्पाउस है ना अभी वो इस वक्त पे एक वेटिंग फेज में है जहाँ उन्हें बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार है बहुत सारी चीज़ों का नॉट जस्ट यू बट बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारे आप तो आप तो बहुत स्पेशल हो उनके लिए वो भी आगे डिस्कस करेंगे बट उससे भी पहले जो जो चीज़ें बहुत और भी ज़्यादा यू नो आप भी प्रायोरिटी हो उनकी और चीज़ें भी उनकी प्रायोरिटी है ठीक है लाइक like उनके जो भी मतलब लाइफ में चल रहा है बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे मैं एक, एक करके नहीं बताऊँगी लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि उन्होंने ना अभी बस हर जगह अपना एफर्ट लगा रखा है आपके लिए भी एक एफर्ट है हर जगह एफर्ट है करियर में देख लो घर में देख लो घर परिवार में देख लो और किसी भी तरीके से देख लीजिए अपने आप को लेकर देख लीजिए वो हर तरीके से एक एफर्ट लगा रहे हैं और हर चीज़ यहाँ पर उनके लिए ज़रूरी है हर व्यक्ति हर रिश्ता हर एक चीज़ हर एक रिज़ल्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है कोई भी ऐसा नहीं ऊपर नीचे तो वो अभी वेटिंग एनर्जी में है, वो अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर रहे हैं दूसरा देखें तो वो फ़िलहाल उनकी सिचुएशन जो चल रही है वो ऐसी है कि अभी वो जस्ट अपनी और अपनों की अपनी और अपनों की हीलिंग के लिए प्रे कर रहे हैं कि भगवान उन पर और उनके अपनों पर कृपा दृष्टि बनाए रखें अगर लाइफ में कुछ क्रिटिकल क्रिटिकल तो नहीं बट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसमें ना उनको थोड़ा थोड़ा सा आ, मतलब इंतज़ार भी है नर्वसनेस भी है डर भी है बहुत सारे माइंड में ऑप्शंस भी हैं अभी वो फिलहाल बस इंतज़ार कर रहे हैं हर एक उसका एक्सपेक्ट का ठीक है बात आपकी करी जाए तो आपसे रिलेटेड ये वो कहना चाहते हैं कि वो अभी किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं है ठीक है उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ सच्चा प्यार चाहिए उन्हें सच्चा प्यार करने के लिए ज़िंदगी में कब आए वो इंतज़ार कर रहे हैं वो इंतज़ार करेंगे करेंगी क्योंकि उनको सच्चा प्यार ही चाहिए उनको सच्चा प्यार करने वाली ही वाला ही चाहिए और वो इतने सारे सपने हैं उनके जो वो आपको बताना चाहते हैं मैरिज से रिलेटेड विवाह से रिलेटेड बट वो आपको कैसे बताएं वो आपको नहीं बता सकते हैं कभी कभी जब ख़ुद को भी, भी खुद से भी बात करते हैं कि मैं अपनी शादी में अपने विवाह में अपने मैरिज में ये करूँगा वो करूँगी ऐसे करूँगा ऐसे करूँगी तो मतलब बस अभी वो ड्रीम्स हैं अभी वो ड्रीम्स कब ट्रू होंगे पता नहीं है तो मतलब ये वेटिंग एनर्जी में है अभी हर चीज़ को लेकर इन्होंने एक प्लान बना रखा है कुछ चीज़ों का प्लान बना रखा है कुछ चीज़ें का रिजल्ट आना बाकी है बट एफर्ट हर जगह दे रहे हैं लॉयल्टी हर जगह अपनी मेंटेन रख रहे हैं बस अभी एक शब्द में एक लफ्ज़ में कहें तो तुम्हारा इंतज़ार है और कुछ नहीं ठीक है फोर ऑफ वॉन्स एंड द सन कार्ड ये आपको कहते हैं कि आप मेरे लिए परफेक्ट हो और मैं आप ही के साथ खुश हूँ मेरी भलाई भी इसी में ही है क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो कि अगर आप किसी की ज़िंदगी में जाओगे तो उसकी ज़िंदगी में रंग भर दोगे उसकी ज़िंदगी में रंग भर दोगे ना कि उसकी ज़िंदगी बेरंग बेरंग ज़िंदगी में रंग भर दोगे आप आपका एनर्जी ऐसा है जब भी मैं आपके बारे में कुछ सोचता हूँ सोचती हूँ तो मुझे सब सम... कुछ न्यू आइडियाज़ आते हैं बीट करियर फैमिली एक्सपेक्ट्स uh, ठीक है चाहे कुछ भी हो जब भी आपके बारे में सोचता हूँ सोचती हूँ तो आई फील वेरी पॉजिटिव मुझे लगता है कि जिस जिसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो व्यक्ति बहुत बहुत रंगीन है और उस व्यक्ति को दूसरों को खुशी देना बहुत पसंद है दूसरों की ज़िंदगी में रंग भरना बहुत पसंद है और वो एक ऐसा व्यक्ति है मींस आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे सिर्फ ईश्वर पर और उनकी हर एक कृपा पर भरोसा है यस yes. आपका भगवान पर विश्वास देखकर कृष्णा पे विश्वास देखकर उन्हें बहुत खुशी होती है कि आप सच में बहुत आपका बिलीफ बहुत स्ट्रोंग है तो लोगों का विश्वास तो कभी भी डगमगा जाता है भगवान पर विश्वास डगमगा जाता है और दूसरों पर विश्वास करने की बात करते हैं तो ऐसे लोगों का तो कोई है ही नहीं ना ठिकाना लेकिन जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है उसका ठिकाना भगवान ही होते हैं उसका किनारा भगवान ही होते हैं तो वो भी आपको यही कहना चाह रहे हैं कि उन्हें आपका इंतज़ार है और आपका इतना विश्वास ईश्वर पर देखकर उन्हें भी ये मतलब इच्छा आ रही है या फिर वो भी कोशिश कर रहे हैं पूरी कि भगवान पर से उनका विश्वास कभी डगमगाए ना ठीक है अपने और अपनों की हीलिंग के लिए वो प्रे कर रहे हैं अभी बहुत सारे एफर्ट्स उन्हें लगाए हैं हर किसी का रिज़ल्ट आ रहा है तो किसी चीज़ में वो प्लान बना रहे हैं अभी उनका एनर्जी कुछ इस प्रकार का चल रहा है बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो बहुत डेस्परेटली वेट कर रहे हैं आपसे शादी करने का वो चाहते हैं कि कब आप मतलब कब वो दिन आए जिस दिन मैं और आप सामने हो बिल्कुल आमने सामने ना बिल्कुल आमने सामने हो। कब मैं आपको देखकर कर कब आप मुझे देखकर कर शर्माओ <laughs> वो अभी ये इमेजिन जब करते हैं तो ही मन मुस्करा देते हैं ही मन मुस्करा देती हैं कि अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ मैं क्या सोच रहा हूँ बट वो जो सोच रहे सोचते हैं वो जो सोच रहे हैं कहीं ना कहीं आप हो उसमें आपकी एनर्जी है उसमें ठीक है उनकी चैनल फीलिंग्स कुछ इस प्रकार की है, वो आपका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं बहुत और आपके साथ साथ और भी लाइफ के एक्सपेक्ट्स में उनकी बीटिंग एनर्जी है अच्छा देखा जाए तो आप में से काफ़ी लोगों की मैरिड लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल होगी इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा व्यक्ति आपको मिलेंगे मिलेंगी जो कि बहुत समझदार होंगे बहुत ज़्यादा रिलीजियस भी होंगे बहुत नॉलेजेबल भी होंगे और इस व्यक्ति के साथ अगर आप हार्डशिप्स में भी रहोगे ना मीन्स आप दुख के समय पर भी अगर इसका साथ आपके साथ होगा ना तो वो दुख की पीड़ा कम होगी ज़्यादा नहीं होगी पता भी नहीं चलेगी इतनी ये आपसे बहुत प्यार करेंगे और उस प्यार का इजहार करने से कभी डगमगाएंगी नहीं कभी कतराएंगी नहीं कभी घबराएंगे नहीं कभी घबराएंगी नहीं इन्हें आपसे ना प्यार करना है ना कि सिर्फ एक यू नो दिखावा दिखावे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं पता चल जाता है कि ये दिखावा है ये सच में प्यार है देखो अपना कौन है वो दुख के समय पर ही पता चलता है वैसे तो टेम्परेरी पीरियड के लिए हर कोई अपना होता है परमानेंट तो कृष्णा राधा कृष्णा है भगवान श्री कृष्ण राधा रानी लेकिन अगर एक मटेरियल वर्ल्ड में बात करी जाए तो हाँ ये ट्रू है कि दुख के समय पर ही पता चलता है कि कौन सही है और कौन गलत है किसकी भावना हमारे लिए गलत आ रही है किसके एफर्ट्स हमारे लिए गलत आ रहे हैं कौन हमारे लिए सही है किसके साथ आगे बढ़ना सही है ये समझ हमें आता और वो आपसे कहते हैं कि आप उनकी लाइफ की एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रीम हो जिसे वो रियलिटी में भी बदलेंगे आप जस्ट ड्रीम बनकर नहीं रह जाओगे उनके लिए आप रियलिटी में आओगे उनकी ज़िंदगी में आपके लिए एक सॉन्ग आ रहे हैं आपके प्यार में हम सवरने लगे ये एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है ज़रूर से सुनिएगा आपके लिए बहुत चैनल डार है और वो बस अभी कहते हैं कि ही और शी वांट्स टू किस योर फोर ठीक है क्यों आप शायद बहुत परेशान हो आपके मन में बहुत सारी टेंशन चल रही हैं जस्ट मेक यू काम डाउन आपको थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए थोड़ा सा शांत करने के लिए वो कहते हैं अगर आज मेरे पास होते ना तो बिल्कुल तुम्हें पकड़ के गले लगा लेता और तुम्हारे माथे पे तुम्हें चूमता चूमती फिर तुम्हें ना बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से घबराने नहीं देता तो घबराओ मत तुम बहुत तुम जो भी कर रहे हो मेरा मेरी एक कामना है कि उसमें हमेशा भगवान की कृपा रहे और तुम्हारा भला ही हो ये उनकी तरफ से आपके लिए एक चैनल्ड फीलिंग्स आई हैं बहुत ही ट्रू फीलिंग्स आई थी चैनल्ड आई थी मैं सिर्फ दो मैसेजेस देखूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आई थी तो ऐसे अलग से बताने की तो खैर ज़रूरत है नहीं लेकिन फिर भी वे दो या तीन देखेंगे स्टाइलिश आउटफिट्स ओके सो आपको थोड़ा सा अपना अगर आप थोड़ा सा अलग प्रकार के यू you नो know, जो कपड़े होते हैं चाहे किसी भी उसमें चाहे इंडियन उसमें चाहे वेस्टर्न में आप अलग प्रकार की ना ड्रेसेस भी ट्राई करो तो आप बड़े ब्यूटीफुल लगोगे वो कह रहे हैं बिगड़ती तबीयत में सुधार तो अगर आप में से किसी की भी बिगड़ती कोई तबीयत है तो उसमें सुधार होगा वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं एंड फोर ईयर्स फोर ईयर्स मेन है आपकी लव लाइफ़ के लिए आपकी मैरिज के लिए कुछ लोगों के लिए लव लाइफ के लिए कुछ लोगों के लिए मैरिज के लिए ठीक है होल्डिंग दी ब्रेथ एंड कामिंग डाउन तो हाँ मतलब वो आपको ना थोड़ा सा काम डाउन कर रहे हैं बुरी नज़र से छुटकारा बहुत लोगों को बुरी नज़र से छुटकारा ही मिलेगा एंड And... लास्ट एक और देख लेते हैं बस तेरा होने लगा हूँ बहुत अच्छा सॉन्ग है ये भी आज की बहुत ही स्वीट रीडिंग जिसमें बहुत अच्छे से उन्होंने बात करी आपसे अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक्स पे कॉमेंट्स रुक अभी के लिए बाय ठीक है जय शादा कृष्णा हरि बोल श्री राधे राधे रथ पाल पाल टू मुझे देखते हैं आज की रीडिंग देखते हैं आपके स्वस के चैनल करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे फिर उसके बाद हम रीडिंग को शुरू करेंगे ठीक है देखते हैं ध्यान से सुनना बहुत ही एक अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है क्योंकि आप कुछ भी एक्सपेक्ट करो वो मैं नहीं चाहती ठीक है ना तो फिर वो रीडिंग्स के लिए भी ठीक नहीं रहता है तो बिल्कुल एक बिल्कुल साफ़ मन से बिल्कुल एक कनेक्टेड हार्ट से आपने इस रीडिंग को देखना है क्योंकि जो भी मैसेजेस होंगे वो शशि राधा श्याम सुंदर जी आप तक पहुँचाएँगे और चाहे वो एक मैसेज हो चाहे वो दस मैसेज हो कितने भी हो ठीक है तो ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल ध्यान से शांत मन से चलिए एक साल लेते हैं भगवान का नाम बहुत अच्छी बात आ रही है यहाँ पे रियलाइजेशन आ रहा है क्या होता है कभी कभी हम लाइफ में ना बहुत ऐसी चीज़ें खुद से ही सोच लेते हैं कि अब तो ना मुझे किसी से प्यार होगा ही नहीं प्यार कौन ही करता है प्यार क्या ही होता है है ना लाइक like डैट हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं और हम खुद ही अपने मन में कुछ ना कुछ बुनने लग जाते हैं लेकिन लाइफ में कैसा पीरियड आता है सबकी लाइफ में आता है तो उस उस पीरियड में हमें क्या महसूस होता है हमें ये महसूस होता है कि हम जिस चीज़ से हमेशा से जो अच्छी है प्यार करना अच्छी बात है चाहे आप भगवान से करो चाहे किसी व्यक्ति से करो लॉयल्टी के साथ करो बिल्कुल कमिटमेंट के साथ करो शरणागत होकर करो बिल्कुल और भगवान से तो करो ही करो तो फिर किसी भी व्यक्ति से करोगे कि किसी सही इंसान से तो वो भी सफल होगा सही इंसान से हाँ ऐसा नहीं गलत सही इंसान से जो हरी विमुखना जो यू you नो know, हरीजन हो ऑबली जिसमें कुछ भक्ति का सेंस हो तो आप कई बार ऐसे डिसीजन्स हो जाते हैं लेकिन लाइफ में एक ऐसा पीरियड आता है जो कि इनकी लाइफ में भी आया नाउ योर फ्यूचर इज रियलाइजिंग की वट इज़ द वैल्यू ऑफ लव वट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ लव इन आर लाइफ प्यार की क्या अहमियत है क्या मतलब इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में है ना प्यार की रिश्तों की मैरिज की एक ही पार्टनर के साथ ज़िंदगी बिताने की ये कितनी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में इसकी नाउ उनको ये रियलाइज हो रहा है धीरे धीरे और वो अब ये कहते हैं कि पहले मैं ये डिसीज़न नहीं ले पाता था नहीं ले पाती थी कि मुझे शादी करनी है नहीं करनी है बट नाउ आई एम कम्प्लीटली ओपनली सेंग कि येस आई वॉन्ट टू गेट मैरिड एज सून एज पॉसिबल ठीक है मतलब वो तो ही कह रहे हैं कि बस अब तो मुझे शादी करनी है अब तो मुझे विवाह करना ही है क्यों करना है क्योंकि उनको उसका इंपॉर्टेंस पता चला है उसका वैल्यू सिस्टम पता चला है ठीक है और वो आपको कहते हैं कि मुझे पहले हारने से डर लगता था लेकिन अभी मुझे पता है कि कभी कभी क्या होता है हमें जो हार लगती है ना वास्तव में हमारी जीत होती है हमारा बचाव मान लीजिए जीत होती है आप किसी गलत व्यक्ति के साथ हो और आपको उससे प्यार है लेकिन उस सामने वाले को आपसे प्यार नहीं एक पॉइंट पे जाकर कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि हम उससे अलग हो जाते हैं तो हमें क्या लगता है ये तो मेरे मैंने अपना प्यार खो दिया बट वास्तव में क्या होता है वो कहीं ना कहीं भगवान हमारा बचाव करते हैं कि आगे जाकर उस सेम व्यक्ति के साथ अगर हमें कोई और दुख दुख मिल जाता कोई और पीड़ा मिल जाती तो वो हमारी वास्तव में हार होती लेकिन हार होने से पहले बचाव हो गए तो ये तो जीत है हमारी है ना तो उनका भी कुछ ऐसे कि वो पहले हार से डरते थे किसी को खो देने से डरते थे बट अभी उन्हें पता है कि वो चुनेंगे किसी ऐसे को जिसे खोने का डर ही ना हो जिसे खोने का डर ही ना हो हम्म, बल्कि उसके साथ ज़िंदगी जीने का एक अलग ही कहते हैं ना क्रेज़ हो एक जुनून हो एक जोश हो उसके साथ जिंदगी जीने का एक चाहत हो एक दिल की चाहत हो दिल से कि हाँ मुझे उसके साथ जिंदगी जीनी है और सामने वाली की भी वैसा वर्षा सेम तो वास्तव में वो जीत होती है और अब उन्हें बेसिकली मैरिज की इम्पोर्टेंस पता चल रही है तो वो खुद को उसी में ढाल रहे हैं कि वो खुद को उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं मनी मन से तनी तन से इन टर्म्स ऑफ सोल uh, ऑल्सो वो प्रिपेयर्ड कर रहे हैं खुद को और वो आपको कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं कि आप उन्हें कैसे पहचानोगे वो अपने प्यार का इजहार आपसे कर देंगे आपको उन्हें ना ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बस वो कहते हैं कि इंतज़ार करो जब मैं आऊँ और अगर किसी कोई किसी ऐसे व्यक्ति में तुम्हें लगे कि ये सच में तुमसे प्यार करता है तो वास्तव में तुम्हें वो मिल जाएगा वही होगा तुम्हारा वही होगी तुम्हारी काश वो मैं हूँ काश्म वो कहते काश मैं आपका हस्बैंड हूँ मैं आपकी वाइफ हूँ काश कोई और हम दोनों के बीच ना आए और तुम छोड़ दो सब कुछ तो मैं ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं क्यों सब कुछ बैलेंस हो जाएगा अगर मुझे प्यार किसी तुमसे हुआ ना जब कभी मुझे अगर भगवान ने मौका दिया तुमसे मिलने का तुमसे प्यार करने का तो फिर उस मौके को मैं गवाऊंगा नहीं क्योंकि मौके हर बार नहीं मिलते हैं बहुत खुशकिस्मती से ऐसे मौके ऐसे सुंदर हसीन मौके मिलते हैं इसलिए मेरी तो यही प्रार्थना है यही दुआ है कि काश ये खुशी मेरी झोली में भरी जाए जिसे मैं हमेशा अपने सीने से लगा के रखूँ जिसके साथ ज़िंदगी जीने का डर ना हो कोई हार ना हो बल्कि जीत ही जीत हो हार में भी जीत हो जिसके साथ बहुत बड़े बड़े सपने पूरे ना करने हों बहुत छोटे छोटे सपने में जी ना हो बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे सपने ठीक है वो आपसे ये कहना चाहते हैं कहते हैं ना कि एक ये कहावत है कि घर जितना छोटा उतने सारे ज़्यादा करीब एक ज़रूरत के हिसाब से तो आपको घर चाहिए ही होता है लेकिन ऐसा नहीं कि बस दो बंदे हों और उनके लिए एक बहुत बड़ा महल और फिर वो दूरियां ही वो ही वो जो एक एनवायरनमेंट होता है वही डिस्टेंस क्रिएट करता है तो एनवायरमेंट बाहर का एनवायरनमेंट भी हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है इसलिए घर उतना जितने लोग जितने लोग करीब रह सकें ऐसे ही वो कहते हैं कि सपने उतने जिसे हम पूरा कर सकें और अगर मान लो वो पूरे नहीं भी होते तो कोई बहुत बड़ा दुख ना हो वो ये कहते हैं ठीक है अगर ये आपसे मैच करती है ये थिंकिंग डेफिनेटली ये आपके हैं नहीं करती है आपसे मैच हो सकता है कोई और हो आप खेलें है ना तो यहाँ पे उन लोगों के लिए ये बात आई है जिन लोगों के साथ ये थिंकिंग मैच करती है ठीक है और जिनके साथ नहीं करती उनके लिए कोई और भगवान ने चुन रखा होगा वो आपको बस ये कहते हैं कि तुम ना रोया मत करो तुम कभी कभी ना बहुत परेशान हो जाते हो आई नो दुख होता है और रोना कोई गलत बात नहीं है बट थोड़ा सा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो जाओ थोड़ा सा क्यों क्योंकि लाइफ में तो प्रॉब्लम्स आती हैं और प्रॉब्लम्स की वजह से अगर हम हर बार रोने लग गए तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम कुछ भी करने के लिए लायक नहीं बचेंगे वी आर इन सो मच डिप्रेशन हम बहुत डिप्रेशन में हो जाएंगे बट मेरा ऐसा मानना है कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा पता है क्यों ठीक है तुम्हें ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देख कर मत करो लेकिन मुझे इतना भी विश्वास है कि जिसका कोई नहीं ना उसका सारा भगवान होते हैं और तुम्हारा सारा भगवान है बस मैं इतना जानता हूँ मैं इतना जानती हूँ शायद हम दोनों एक जैसे ही हैं बस हम दोनों की मे uh, बी टाइमिंग्स अलग अलग हों हम दोनों के किस्से अलग अलग हों बट आई नो हम दोनों का सारा भगवान है इसीलिए क्यों ना ये ये इंतज़ार भी भगवान पर ही छोड़ दें और फिर एक ऐसा करिश्मा देखें एक ऐसा चमत्कार देखें एक ऐसा मेराकल जिसे हमारे हम दोनों की जिंदगी बदल जाए और हम दोनों ही एक दूसरे के और भी करीब आ जाएं यू नो वॉट तुम्हें प्यार करने की इच्छा तो है तुम प्यार तो करना चाहते हो चाहते हो लेकिन तुम्हें उसे बाहर शो करने से डर लगता है मुझे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें जब अपना दिल की बात कहनी हो तुम भेजक मुझसे बोलना क्या पता मैं तुमसे पहले बोल दूँ <laughs> तो इसीलिए डोंट बी सो ऑपरेट जस्ट बी काम डाउन एंड रिमेंबर गॉड रिमेंबर क्रिश्ना स्पेशली वैन यू फील लोनली वैन यू फील तो कोई नहीं है मेरे पास मेरे साथ कोई नहीं है उस वक्त हैप्पी फैमिली हम दोनों ही खुश नहीं हमारी आने वाली जनरेशन भी खुश रहेगी मुझे इतना विश्वास है देखना तुम तो। और हम दोनों एक अच्छे माता पिता बनेंगे ये भी विश्वास है मुझे ऑल्सो अगर तुम्हें डर लगता है कि तुम एक अच्छे पेरेंट बन भी पाओगे कि नहीं बट आई हैव कम्प्लीट ट्रस्ट ऑन यू जिसके दिल में इतनी परवाह जितना इतना प्यार हो इतनी स्ट्रेंथ हो इतना विश्वास हो वो व्यक्ति परिवार आगे बढ़ाने के लिए परिवार के लिए कभी गलत नहीं हो सकता सो यू आर द राइट पर्सन फॉर मी एंड मोर फॉर माई फैमिली एंड फॉर माई फ्यूचर फैमिली फॉर आर फ्यूचर फैमिली टू ठीक है तो ये वो आपसे बोलना चाहते हैं आज की स्टीडी देखते हैं कुछ मैसेजेस बहुत प्यारी है बहुत अच्छी रीडिंग है ये टोटली totally मतलब आपको डेडिकेटेड थी ये पूरी रीडिंग में बहुत सारी चीजें आई थी लाइफ की भी पार्टनर की भी वो सारी लेकिन इसमें ये टोटल पूरा आपका ही आया है टोटल माय लव आई नो वी आर इन सेपरेशन बट ट्रस्ट मी आर यूनियन इन डिस तो अभी जैसे आप दोनों मिले नहीं हो ना अभी आपके भी ये फ्यूचर पाउस हैं तो आपसे मिले नहीं हैं अभी नहीं जानते आपको लेकिन इन्हें आपकी वाइफ पता है तो वो ये कहते हैं कि हमारा मिलना तो लिखा है ठीक है हमारा मिलना लिखा है और हम मिलेंगे भी ज़रूर देखते हैं कुछ और मैसेजेस दो मैसेज आए हैं माई एंजलाई लव यू सो मच एंड लियो लियो साइन मेन हो सकता है यहाँ पर डेयरिंग पर्सनैलिटी काफ़ी हिम्मत वाले होंगे ये हिम्मत वाली होंगी फोकस कंप्लीट फोकस होगा इनका अपनी फैमिली पर रिलेशंस पर का करियर पर हर एक एक्सपेक्ट पर लाइफ के ठीक है रेस्ट अभी कहते हैं तुम थोड़ा रेस्ट मोड पे जाओ तुम्हें थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है अपने ना अपने मन को शांति दो अपने मन को थोड़ा रेस्ट दो और थोड़ा और भगवान के थोड़ा और कृष्णा के करीब जाओ तो रेस्ट इस हिसाब से अच्छी होगी आप लोगों तो की वैसे वो कह रहे हैं कि आपको रेस्ट मोड पे जाने की जरूरत है लेकिन रेस्ट मोड पे कैसे जाएं वो कृष्णा आपको बता रहे हैं समथिंग <laughs> अनएक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा ठीक है कुछ अनएक्सपेक्टेड और जो चीज़ें टॉक्सिक हैं उनको छोड़ दो जो चीज़ें आप परेशान करती हैं जो लोग परेशान करते हैं उन्हें छोड़ दो देखो सीधी सी बात है जो हरि विमुख है उसे छोड़ दो उसे त्याग दो यही त्याग एक व्यक्ति कर सकता है अपने जीवन में इंसान बहुत बड़ा त्यागी नहीं बन सकता इसीलिए बस हमारे लिए एक त्याग है जो निर्धारित है कि भाई अगर आप हरी विमुख व्यक्ति का त्याग कर सकते हो तो उससे क्या आपकी बुरी आदत और आपका बुरा जीवन आपका बुरा व्यवहार भी अपने आप आपसे दूर होगा ठीक है तो ऐसे हरी विमुख जो लोग भक्ति में नहीं है जो लोग भक्ति करना ही नहीं चाहते जो भगवान का नाम सुनना ही नहीं चाहते ऐसे लोगों को त्याग दीजिए ऐसे लोगों के त्याग नहीं सकते तो ऐसे लोगों के सामने सत्संग सुनिए तो वो अपने आप ही त्यागेंगे आपको ठीक है चुपके से चुपके से रात की चार पहले ये एक बहुत ही आ, बहुत ओल्ड सॉन्ग है याद नहीं है मुझे बिल्कुल भी आप सुन लेना आपके लिए आया ये लव यू जान लास्ट मैसेज ये है ठीक है तो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी आज की बहुत कुछ हमें यहाँ पर आ, जानने को मिला और एक बहुत ही प्यारी सी भक्ति की रिलेटेड बात भी हमें पता चली तो ज़रूर से आप लोग बताइएगा कि रीडिंग कैसी लगी और देखिए थोड़ा थोड़ा ही मैं इन रीडिंग्स में भक्ति के बारे में बता पाती हूँ अगर आपको कंप्लीट भक्ति से रिलेटेड संदेश चाहिए तो फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होता है श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी संदेश संदेश का आप वहाँ जाकर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं ठीक है बट इन रीडिंग्स में भी जो आपको मैं थोड़ा 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 भगवान श्री कृष्ण के कृपा से जो बता पाती हूँ प्लीज़ उससे भी फॉलो करा करें तो मे भी बहुत सारे लोग एक सही ट्रैक पर आ जाएंगे जिन्हें भटके रहना है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते लेकिन जो सच में वास्तव में ज़िंदगी में एक रियल पीस चाहते हैं जो भगवान का प्यार चाहते हैं जो अपना जीवन सुधारना चाहते हैं वो ज़रूर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम, राम, राम राम हरे हरे इस महामंत्र का जाप करिए और श्रीमद गीता श्रीमद्भागवतम का अध्ययन करिए और श्रवण करिए चलिए ये थी आज की रीडिंग अभी के लिए बाय टेक किया जय श्री राधा कृष्णा बोल श्री राधे